The majestic Gurgaon skyline has everything to offer, from large towering buildings to beautiful surreal views of nature. Today, we are at one such house from which you can get a lovely sunset view, the view of the towering camellias which define the Golf Course Road and DLF's legacy, and then a nature's blessing, that is the Aravali Range right behind. No prizes for guessing that we are in Sun City, which is right at the foothills of the Aravalis that touch Gurgaon and especially the Gwal Pahari area. Today, I am here to show you a floor built on 502 square yards, spread over 3,200 square feet. This is a 4-bedroom, 5-washroom floor. Now, today's theme of finding floors for you has been to get you a value for money deal. This house that is perfectly built is absolutely well priced. The builder is not going exorbitant on his pricing, and the top floor terrace asking price for this floor where I am currently standing is 6.25 crore. So without wasting much of your time, let me show you your bar where dreams and drinks both will come alive. Turquoise color ka patthar laga hua hai. Bahut hi khoobsurat bar hai. आप लोग जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको ये पता होगा दैट आई स्टार्टेड माय करियर एज अ मिक्सोलॉजिस्ट. अ मिक्सोलॉजिस्ट इज समवन हु क्रिएट्स फ्लेवर्स विद ड्रिंक्स. तो मैं जब इस बार पे एज अ रियलिटर आज खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस बार पे ड्रिंक बनाऊँ तो आप बार बार यहाँ आएंगे. नीचे हॉलो काउंटर टॉप की जगह दे रखी है जहाँ पर आपके फ्रिजेस लग सकते हैं, तो आराम से अपने फ्रिजेस लगाइए, अपनी बियर्स को, अपने मिक्सर्स को यहाँ रेफ्रिजरेटेड रखिए. ड्रेन के लिए जगह दे रखी है. यहाँ पे आप बार स्टूल्स भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ टेरेस पे आपके लिए एक वॉशरूम और एक पैंट्री का प्रोविजन दिया हुआ है. पैंट्री इसलिए बनाते हैं टेरेस पे सो दैट यू कैन हीट योर फूड अपस्टेयर्स व्हेनेवर यू हैव अ पार्टी, एंड वॉशरूम सो दैट पीपल डोंट हैव टू गो डाउन टू योर हाउस एंड डर्टी योर फ्लोर. मैं अपने एक बहुत करीबी दोस्त कार्तिक को, कार्तिक शर्मा को घर दिखा रहा था अभी, एंड हिज वाइफ अंकिता ब्रॉट आउट दिस ब्यूटीफुल पॉइंट दैट चेतन टेरेस पे बाथरूम तो होना ही चाहिए क्योंकि अगर पार्टी करें तो घर जाके लोग गंदा ना करें. इस टेरेस की कुछ खासियत ये है कि इस टेरेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक आपका बार पार्ट जो बन जाता है एक हाई एनर्जी जोन व्हेनेवर यू हैव योर पार्टीज, योर गेट टुगेदर्स, और दूसरा ये एलिवेटेड एरिया जहाँ से हमने अपना हाउस टूर शुरू किया था. वेस्ट फेसिंग होने के कारण यहाँ पे आपको ढलते हुए सूरज के अच्छे ह्यूज दिखेंगे. आपको वो ऑरेंज क्रिम्जन स्काईलाइन दिख रही होगी. मुझे तो बहुत प्यारा लगता है सनसेट्स को देखना और उनको कैप्चर करना. मेरे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं दैट आई वांट टू बिकम द इंडियन वर्जन ऑफ सेलिंग सनसेट्स, एंड आई टेल देम दैट वी विल सेल एवरीथिंग बिटवीन अ सनराइज एंड अ सनसेट. तो ये 500 गज के फ्लोर की टेरेस आपने देख ली है. टेरेस आपने देख ली है तो आपको ये बता दें कि लिफ्ट आपकी जो थाइसन ग्रुप की लिफ्ट है वो आपके टेरेस फ्लोर तक आती है, तो आपके गेस्ट को फोर्थ फ्लोर से सीढ़ियाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऊपर आपका ममटी एरिया दे रखा है. ममटी एरिया की एंट्री बिल्कुल अलग है, सो पीपल ऑफ फ्रॉम दी अदर फ्लोर्स विल नॉट इंटरफेयर विद योर टेरेस. आप अपनी टेरेस लॉक्ड रख सकते हैं, ये 100% एक्सक्लूसिव रहेगी. अब आपने ये टेरेस तो देख ही लिया, चलिए मिलते हैं आपको घर के अंदर. वेस्ट फेसिंग आपका दरवाज़ा है, तो जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आप वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे होंगे. साउथ फेसिंग आपका प्लॉट की फेसिंग है, तो साउथ और वेस्ट का कॉम्बिनेशन है ये. अब हमेशा की तरह चलिए मैं आपको दरवाजे से इस घर का लेआउट समझा दूं. तो मैं खड़ा हूं आपके दरवाजे पे. आपका दरवाज़ा एक क्यूबो के लॉक से गार्डेड है, बहुत ही हैवी, स्टर्डी और दुरुस्त दरवाज़ा है. इस दरवाजे के सामने आपका फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस. फ्रंट ऑफ द हाउस में आता है आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, यहाँ आप अपना डाइनिंग बना सकते हैं. सामने आपका ड्राइंग एरिया बालकनी में खुलता हुआ, उसके बाद आपका किचन, किचन आपका मॉड्यूलर किचन विद एन आइलैंड, बहुत खूबसूरत. फिर आ जाता है आपका बेडरूम नंबर वन. बेडरूम नंबर टू से बाहर निकलते हैं तो ये कॉर्नर में स्पेस में आपका मंदिर बन सकता है जो कि ईस्ट फेसिंग है. अब आ जाइए बैक ऑफ द हाउस की तरफ. बैक ऑफ द हाउस की तरफ जैसे ही आते हैं आपके तीन बेडरूम, आपका पाउडर वॉशरूम और आपका लाउंज स्पेस है. तो बेडरूम नंबर टू, बेडरूम नंबर थ्री, फिर पाउडर वॉशरूम और फाइनली आपका बेडरूम नंबर फोर.
सिद्धार्थ होम्स नाम की कंपनी है, जैन साहब बहुत ही पुराने और पुख्ते बिल्डर हैं। मैंने इनकी पिछली बिल्डिंग में एक फ्लोर बेचा था, आज भी जो मेरे क्लाइंट वहाँ रह रहे हैं उनको इनकी आफ्टर सेल सर्विस से कोई कंप्लेन नहीं है। ये बढ़िया पत्थर का इनले यहाँ किया गया है, जैसे आपकी बार की फील है वैसे ही आपके पास यहाँ आपके ड्राइंग रूम में एक वॉल ऐसी है विच सीक्स एंड रीक्स ऑफ एलिगेंस एंड लग्जरी। यहाँ बनाइए अपना डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया बनाने के बाद सर्विसेज करने के लिए एडिक्वेट जगह आपको मिलती है, आप अपने ड्रॉर्स और चेस्ट लगा सकते हैं ताकि आप अपनी कटलरी क्रॉकरी यहाँ स्टोर कर सकें। आपका जो ड्राइंग डाइनिंग रूम है वो कुछ 450 फुट की स्पेस है, इस 450 फुट की स्पेस में आप अपना डाइनिंग टेबल लगाने के बाद कंफर्टेबली 30 से 40 लोगों की सीटिंग अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन में प्लान कर सकते हैं। वुडवर्क और पैनलिंग यहाँ हो रखी है जो घर को एक बहुत एलिगेंट लुक दे रही है। आपके घर में दो एयर कंडीशनर्स आपके ड्राइंग डाइनिंग रूम में लगे हुए हैं, एक आपके डाइनिंग एरिया में है, एक आपके ड्राइंग एरिया में है पीछे, तो आप एयर कंडीशनर्स लगे हुए देख सकते हैं। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। और अगर आपके दोस्त ऐसे हैं या आपकी गेट टुगेदर्स में ऐसे लोग आते हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो आपके ड्राइंग रूम से आपको इस दरवाजे के थ्रू, पेगो के इस हैवी दरवाजे के थ्रू सीधा बालकनी का एक्सेस मिलता है, व्हिच बिकम्स योर स्मोकिंग एरिया। नाउ कमिंग बैक इनसाइड द हाउस, यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इन अ 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट दिस इज 100% लीगली बिल्ट अप फ्लोर। यहाँ से लेके चलता हूँ आपको किचन की तरफ, किचन बहुत नायाब है। आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ आइलैंड किचन्स। आइलैंड किचन होने के बावजूद यहाँ पे दो अलग अलग सिंक्स दिए हुए हैं, ये आपकी वेजिटेबल्स का सिंक, वो आपकी यूटेंसिल्स का सिंक। यहाँ पे आपकी हॉब और चिमनी आएगी और यहाँ पे आपका माइक्रोवेव और ओवन आएगा, यहाँ लगेगा आपका फ्रिज। मॉड्यूलर ड्रॉर्स हैं, फास्ट क्लोजिंग, सॉफ्ट क्लोजिंग, अर्गोनॉमिक आपके सेटअप हैं, कटलरी क्रॉकरी टोंग सब कुछ आराम से प्लेस हो जाएगा। गैस पाइपलाइन का प्रोविजन दे रखा है, आप अपने सिलेंडर्स कनेक्ट करके गैस डायरेक्टली अपनी किचन में ला सकते हैं। ये मार्बल टॉप काउंटर पे आप खाना बना सकते हैं, खाना खिला सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये क्या कुछ कर सकते हैं, दैट आई विल लीव टू योर इमेजिनेशन। जैसे किचन से बाहर निकलते हैं ईस्ट फेसिंग स्पेस दे रखी है, इसको आप डेड स्पेस मत समझिएगा, ये आपके मंदिर के लिए एक फंक्शनल स्पेस है। आप अगर इस दीवार पे अपने इष्ट देवता को स्थापित करेंगे तो ईस्ट फेसिंग आपका मंदिर रहेगा, और अगर आप इसका सेकंड क्वाड्रेंट चेक करेंगे एज पर वास्तु तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहेगा। यहाँ पे आप अपने भगवानों को स्थापित करके अपने परिवारजनों के साथ खड़े होकर यहाँ पे आराम से पूजन कर सकते हैं। बाथरूम कहीं नहीं है आसपास, तो मंदिर रसोई घर के पास रहेगा तो वाइब्स भी अच्छी रहेंगी। चलिए बेडरूम नंबर वन की तरफ चलते हैं। बेडरूम नंबर वन आपके फ्रंट ऑफ द हाउस का इकलौता बेडरूम है। इस घर की एक ये खासियत है कि यहाँ स्पेस में कोई कॉर्नर्स नहीं कट किए गए हैं। 300 फुट का ये कमरा है। हाँ, पैनलिंग आपको ज़रूर करानी पड़ेगी हेडबोर्ड्स और टीवी के कैबिनेट्स के लिए। टीवी आपका यहाँ लगेगा, बेडबोर्ड आपका पीछे लगेगा। बेड लगाने के बाद, किंग साइज बेड लगाने के बाद आपके पास 10-10 फुट की जगह दोनों साइड पे बचती है, वहाँ पे आप अपने स्टडी टेबल, सोफा, सेटी सारा कुछ लगा सकते हैं। चलिए बाथरूम के अंदर, कबर्ड्स आपकी बाथरूम में है, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, दो सिंक लगा रखे हैं, होटल वाला माहौल बना रखा है। यहाँ पे आपका लगेगा एक ग्लास डोर, सो योर वेट एंड ड्राई एरियाज आर गोइंग टू बी सेपरेट। विटारा और जैगुआर का आपका सैनिटरी वेयर है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लुकिंग एस्थेटिकली मेड रूम एंड वॉशरूम। अब चलते हैं बाहर, ड्राइंग डाइनिंग एरिया को क्रॉस करते हुए चलेंगे अपने बैक ऑफ द हाउस में। मैं आजकल बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे लोग बहुत यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है, आई लाइक टू शो यू द हाउस, टेल यू द डायमेंशंस, टॉक अबाउट द बिल्डअप एंड देन लेट यू मेक योर डिसीजन। माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट आप में से बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, लेकिन अगर आप घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और दिल्ली NCR में आसपास कहीं भी रहते हैं तो आइए और घर को विजिट करिए। क्यों? क्योंकि विदाउट गेटिंग द फील ऑफ द प्लेस, द लैंड, द प्रॉपर्टी, You will never make a right decision. अब ये देखिए, ये utilitarian area यहाँ छोड़ रखा है, इसको आप अपना TV viewing lounge, library corner, reading room कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं इस घर को लेता तो यहाँ पे मैं लगाता अपना library rack, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। साथ में यहाँ लगाता एक सोफा जो कि 2-seater सोफा स्लैश सेटी हो सकता है। यहाँ रखता है कॉफी टेबल बुक और अपनी चाय कॉफी दोपहर की यहाँ पढ़ता, यहाँ पीता किताबें पढ़ते हुए। चलिए बेडरूम नंबर टू की तरफ। बेडरूम नंबर टू के आप अंदर घुसेंगे, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, और बेडरूम नंबर टू
200 फुट का कमरा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बैल्कनी हर कमरे के साथ दी गई है. दैट्स द एक्सेस टू द बैल्कनी. गो इनसाइड द वॉशरूम, यू विल गेट द फीलिंग दैट सिंपलिसिटी, लेस इज मोर की फिलॉसफी पे ये घर बनाया हुआ है. ज्यादा कलर्स को फ्लाउट नहीं किया हुआ, सिंपल कलर्स रखे हैं, लेकिन स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है. चार कबर्ड्स की स्पेस निकाली हुई है ताकि मियां बीवी में आपस में झगड़ा ना हो, कपड़े आराम से प्लेस हो सके और आप बॉनहेमी में आराम से इस घर के अंदर रहें. यहां लगेगा आपका टीवी, ये आपके HDMI केबल्स के लिए ऑलरेडी होलिंग कर रखी है. वहां आएगा आपका बेड. बेड लगने के बाद 3-3 फुट की जगह दोनों साइड कमरों में बचती है. एडिशनल कबर्ड्स चाहिए तो कबर्ड्स भी लगा सकते हैं. चलिए बेडरूम नंबर 3 की तरफ. बेडरूम नंबर 3, बड़ी बालकनी का एक्सेस, 240 फुट का कमरा, साफ सुथरा और नेक काम. अगेन टीवी यहाँ, बिस्तर वहाँ, ऑल इटालियन मार्बल है अभी तक कमरों में. सिर्फ आखिरी कमरे में आपका वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है. ये देखिए मेश की वायरिंग दिखाइए महेंद्र इनको. बहुत सारे बिल्डर्स क्या करते हैं, 3-चैनल दरवाजे का फ्रेम तो बना देते हैं लेकिन मेश की डोरिंग नहीं लगाते. मेश के डोर से क्या होता है, आपके मक्खी मच्छर घर के अंदर नहीं आते. भले ही एक 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा है पर डोर, लेकिन जो ये बिल्डर ये करता है आपको समझना चाहिए दैट दे आर पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. और वो घर ऐसे बना रहे हैं जैसे उनको खुद वहाँ रहना हो. चलिए बाथरूम के अंदर कबर्ड्स देख लीजिए, बाथरूम का कलर पहले देख लीजिए और बाहर आइए तो आपको ये बता देता हूँ कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जो ये आपके स्विचेस हैं, ये साइमन नाम की कंपनी है. अब 3 कमरे आप देख चुके हैं, आपको लेके चलता हूँ चौथे कमरे की तरफ. चौथा कमरा है आपका मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस एंड दिस इज वाई इट इज द मास्टर बेडरूम. क्यों? क्योंकि ये कमरा कुछ 350 फुट का है. यहाँ बिस्तर लगाने के बाद 10-10 फुट की जगह दोनों साइड पे बचती है. बहुत ही वार्म एक वुडन फ्लोरिंग की वजह से यहाँ लुक आ रही है. यहाँ लगेगा आपका टीवी, बालकनी का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और ये रहा आपका वॉशरूम. काफ़ी इलैबरेट वॉशरूम है. वॉशरूम में बहुत जगह है मूव अराउंड करने की. यहाँ पे ग्लास डोर लगेगा. योर वेट एंड ड्राई एरियाज विल बी सेपरेट. रेन शावर की फैसिलिटी लगी हुई है. यहाँ आके अपनी कबर्ड स्पेसिंग देखिए. कबर्ड्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी हुई है यहाँ पे इस घर में, ताकि आपको कभी भी अपने कपड़े स्टोर करने की प्रॉब्लम ना हो. जैन साहब, सिद्धार्थ होम्स, गुड बिल्डर, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ब्यूटिफुल लोकेशन. सन सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट गेटेड कॉलोनीज इन गुड़गांव राइट नाउ. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ सन सिटी. सन सिटी में हमने पहले भी घर डाले हुए हैं. सैलियंट फीचर्स ऑफ दिस हाउस आर 4 बेडरूम्स, 5 वॉशरूम्स, 502 स्क्वायर यार्ड्स, बेस्ड इन सन सिटी इन गुड़गांव ऑन द गोल्फ कोस्ट रोड विद एन अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू टू द मजेस्टिक अरावली हिल्स. दिस हाउस स्टार्टिंग एट 6.25 CR with the top terrace is a steel deal. जल्दी से नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए, वरना बाद में बोलेंगे कि घर दिखाते तो हैं लेकिन दिलाते नहीं हैं. This is Chetan Kaushal signing off. See you guys. Have a nice evening.